Hello students, I hope you are doing well. I welcome you once again to the part 8 session of the Hindu editorial vocabulary. उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए फायदेमंद हो रहा होगा. ये बस CDS AFCAT ही नहीं, अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये वोकैब बूस्टर सीरीज आपको मदद करेगा. रेगुलरली देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के सेशंस होते हैं जिसमें आपको काफ़ी वर्ड सीखने को मिलता है. ना, कल मैंने वो कैब बूस्टर सीरीज का क्विज भी करवाया था. जितना भी सेशंस मैंने लिया उस पर बेस्ड जो वर्ड्स हम मैंने आपको सिखाए थे उसका क्विज भी लिया था यूट्यूब पे. उसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तरह से आपके लिए रिविजन भी हो जाता है. यू हैव अ रिकैप ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आई हैव टॉट यू अप टिल नाउ. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. इससे पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स बता दूं. ज्वाइन मी फॉर प्रैक्टिस सेशंस ऑन CDS एंड AFCAT 2 PM ऑन द अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स चैनल ऑन यूट्यूब एंड एट 8 PM ऑन द अनअकैडमी ऐप. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. 2 बजे अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स चैनल पे और 8 बजे अनअकैडमी ऐप पे मैं आता हूँ प्रैक्टिस सेट्स लेके. सो जरूर जुड़िएगा. ओके ना, चलिए तो आज शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्ड हिंदू एडिटोरियल का, द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज अंडरमाइन. पहला वर्ड जो है दैट इज अंडरमाइन. अंडरमाइन एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक समवन और समथिंग लेस पावरफुल और वीकन, किसी को कमजोर कर देना. ओके, कमजोर करना दैट इज द हिंदी मीनिंग. किसी को समवन या किसी चीज को कमजोर कर देना दैट इज अंडरमाइन. दैट्स द मीनिंग ऑफ अंडरमाइन, जो वर्ब के तरह इस्तेमाल किया जाता है. नाउ एग्जाम्पल सेंटेंस जो था उसमें लिखा था, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सोवरेंटी इज सिंपली रॉन्ग. ये सेंटेंस था, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइन. जो भी डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ बिलीफ्स. सेट ऑफ बिलीफ्स जनरली चर्च जो कुछ आपको सबक या सीख देता है दैट इज कॉल्ड अ डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन जनरली लॉज भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के पॉलिसीज भी हो सकते हैं. याद करो व्हेन ब्रिटिश रूल्ड आर कंट्री ऐसे कई सारे डॉक्ट्राइन्स हैं थे. सो इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ बिलीफ्स और सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज दैट आर मेड. सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो अंडरमाइन कर देता है, जिसका मतलब कमजोर कर देता है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी. ओके, कर देता है, ये मानना गलत है. दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इज सिंपली रॉन्ग. सेंटेंस का मतलब हुआ, जिन्हें भी ये आइडिया है अगर उन्हें ये लगता है कि इस डॉक्ट्राइन के कारण पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कमजोर हो जाता है, ये धारणा गलत है, इज सिंपली रॉन्ग. ये लिखा गया. नाउ सॉवरेंटी का मतलब होता है फ्रीडम, The ability of a country to have an independent rule, एक independent शासन होना, that is sovereignty. Okay? Now that was the sentence. इसके synonyms देखते हैं. Undermine के synonym होंगे enfeeble. Feeble का मतलब ही होता है weak. Enfeeble का मतलब कमजोर करना, weaken कर देना. Debilitate भी एक synonym है इसका, जिसका मतलब होता है कमजोर करना. Cripple, cripple का मतलब होता है अगेन कमजोर करना. एक तरह से किसी क्रिपल का लिटरल मीनिंग होता है किसी का अगर पैर तोड़ देना ताकि वह चल ना सके, तो दैट इज क्रिपल. तो एक तरह से क्रिपल करना, तो आप अगले को कोई चीज क्रिपल हो गया, जैसे द इंडियन इकोनॉमी वॉज क्रिपल्ड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, मतलब वीक होने लगी. ओके, द कोविड पैंडेमिक स्टार्टेड वीकनिंग द इंडियन इकोनॉमी. तो वीकन तो आपका है ही, ये सारे सिनोनिम है. एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथन एनहैंस इंप्रूव, बेहतर बनाना. तो स्ट्रेंथन एनहैंस एंड इम्प्रूव ये सारे आपके एंटोनिम हो जाएंगे अंडरमाइन के. अगला वर्ड हिंदू एडिटोरियल से मैंने उठाया था अमेंड. अमेंड इज अगेन अ वर्ब. अमेंड का मतलब होता है टू चेंज समथिंग स्लाइटली टू मेक इट बेटर, किसी चीज को थोड़ा सा चेंज करना, संशोधन लाना किसी चीज में ताकि वो और भी बेहतर हो सके. अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम. अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट आपका नाउन है, अमेंड बोलिएगा तो वर्ब है. अमेंडमेंट्स का मतलब मॉडिफिकेशंस, चेंजेस. अमेंड का मतलब चेंज करना, वो उसी का वर्ब फॉर्म है.
सेंटेंस ये था, मिस्टर धनकर सीम्स टू हैव अ प्रॉब्लम विद एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स ज्यूरिसडिक्शन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्टर धनकर को प्रॉब्लम था किसी भी प्रकार का लिमिटेशन। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, पार्लियामेंट का जो पावर ऑफ टेकिंग डिसीशंस है, वो मिस्टर धनकर नहीं चाहते कि उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन हो कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फुल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन को फुल कंट्रोल, फुल पावर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ अमेंड का मतलब होता है, सिनोनिम्स होगा ऑल्टर, मॉडिफाई और रेक्टिफाई। किसी चीज़ को ठीक करना, संशोधन करना, तो ऑल्टर, मॉडिफाई, रेक्टिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होंगे विटिएट, डिटीरियोरेट, एग्रेवेट, एक्सैसरबेट। एक्सैसरबेट ये सभी का मतलब होता है वर्सन, और चीज़ को खराब कर देना, चेंज तो करना लेकिन और खराब कर देना। दैट इज विटिएट, डिटीरियोरेट, धीरे धीरे बुरा वर्स होता जाना है, एग्रेवेट और एक्सैसरबेट, ये सारे एंटोनिम्स होंगे अमेंड के। तीसरा वर्ड हिंदू एडिटोरियल से मैंने उठाया था डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन एक्चुअली में एक नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ कंट्री एस्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज ब्रोकन द लॉ। द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन, किसी को जोर जबरदस्ती से किसी देश से बाहर निकाल देना, उसको डिपोर्टेशन कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है निर्वासन, किसी देश से बेदखल कर देना, हटा देना, तो दैट इज डिपोर्टेशन। सिनोनिम था अनप्रीसिडेंटेड बुश फायर्स, कोविड 19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस एंड नोवाक जोकोविक्स अनसेवरी डिपोर्टेशन ओवर इज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस मार्ड द कॉम्पिटिशन इन ईच ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स। ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरू होने वाला है अभी 2023 में, उसके बारे में बात किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में कभी कोई ना कोई अड़ंगा या प्रॉब्लम हमेशा आ रहा था पिछले 3 सालों से। पहला साल तो अनप्रीसिडेंटेड बुश फायर्स, अनप्रीसिडेंटेड मतलब जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, जो आप उम्मीद भी नहीं लगाते उससे भी ज़्यादा, दैट इज़ अनप्रीसिडेंटेड। याद करो ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में काफ़ी आग लग गया था, उसको हम बुश फायर्स कहते हैं। बुश का मतलब एक्चुअली में जंगल, ओके। सो बुश फायर्स, जैसे अफ्रीकन बुश एनिमल्स, अफ्रीकन बुश मतलब जंगल, अफ्रीकन के जंगल के एनिमल, तो बुश का मतलब एक्चुअली में होता है झाड़। तो यहाँ पे बुश फायर्स मतलब जंगल के आग, इतने ज़्यादा जंगल के आग, कोविड 19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, ओके, कोविड लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हो गए। उसके बाद आपको याद होगा जोकोविच ने बोला कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लूँगा, उसको लेके एक बवाल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कारण थी किस चीज़ के लिए, मार्क द कॉम्पिटिशन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। नाउ जोकोविच को डिपोर्ट कर दिया गया था इस कारण से कि वो कह रहे थे कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लूंगा, और वो अड़े हुए थे कि वैक्सीनेशन मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कोविड 19 वाला। दैट्स द रीजन ही हैड टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, उन्हें कंट्री से जाना पड़ा अपने देश, ओके, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू गेट हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड। सो दिस वॉज एन अनसेवरी डिपोर्टेशन, मतलब समथिंग दैट फील्स बैड, बहुत खुशी की बात तो नहीं है, जो उनके फैंस हैं उनको बुरा लगा होगा। सो दैट इज अनसेवरी, जो बुरा लगता है। डिपोर्टेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर, निर्वासन, फोर्सिंग समवन टू लीव द कंट्री। ओवर हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस मार्ड द कॉम्पिटिशन। मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, कोई चीज बर्बाद हो जाना, दैट इज मार्ड, ओके, और स्पॉइल्ड इज करेक्ट। सिनोनिम्स इसके होंगे डिपोर्टेशन के एक्सपल्शन, एक्सट्रेडिशन, बैनिशमेंट। याद करो विजय माल्या के खिलाफ भी एक्सट्रेडिशन केस हो रहा था लंदन में, सॉरी इंग्लैंड में, उसमें यह कहा जा रहा था भारत सरकार के द्वारा कि उसे एक्सट्रेडिट किया जाए, लंदन से वापस भेजा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोन लेके चुका नहीं सके। सो एक्सपल्शन, एक्सट्रेडिशन, बैनिशमेंट, ये सारे डिपोर्टेशन का सिनोनिम होगा। एंटोनिम्स हो सकता है इमिग्रेशन, वापस आना किसी कंट्री में, रिपैट्रिएशन, किसी कंट्री में दोबारा वेलकम करना, कंट्री में किसी को इंक्लूड करना, और रिटर्न। दीज आर दी एंटोनिम ऑफ डिपोर्टेशन। अगला वर्ड मैंने उठाया था मेडन, फ्रॉम द सेम आर्टिकल जहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे थे। मेडन इज बेसिकली एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है फर्स्ट या पहला, हिंदी में कहते हैं प्रथम, मेडन का मीनिंग हिंदी में प्रथम। सेंटेंस था सेकंड सीड ऑन जबोर
हु हैज इमर्ज एज अ सॉलिड ऑल कोर्ट थ्रेट, थ्रेट मतलब एक तरह से चैलेंज, विल लुक फॉर हर मेडन स्लैम टाइटल आफ्टर फिनिशिंग एज रनर अप एट द विम्बलडन एंड यूएस ओपन लास्ट ईयर. दिस वॉज अबाउट द विमेन्स मैचेस. ऑन जबोर जो है वो विम्बलडन इन यूएस ओपन पिछले साल रनर अप आई थी, तो ये सोचेगी कि उसको मेडन स्लैम टाइटल मिले ऑस्ट्रेलियन ओपन का. ये ग्रैंड स्लैम्स कौन से होते हैं? विम्बलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन, दीज आर द फोर ग्रैंड स्लैम्स जिसे हम कहते हैं टेनिस में. ओके, सो वो ये सोच रही है कि इसको वो मेजर स्लैम, जो भी इनमें से पहला स्लैम अगर इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गई, सो दैट वुड बी हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल. ग्रैंड स्लैम टाइटल वो पहला टाइटल होगा उसका, तो शी विल बी लुकिंग एट हर फर्स्ट स्लैम टाइटल इस बार. ओके, ये दिस प्लेयर विल बी लुकिंग एट हर मेडन स्लैम टाइटल, मतलब फर्स्ट टाइटल. अभी तक तो कोई टाइटल जीती नहीं है, तो अगर ये जीत गई तो वो उसका मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल हो जाएगा. दैट्स द मीनिंग. नाउ सिनोनिम मेडन का होगा फोरमोस्ट, हेडमोस्ट और इनॉग्रल. फर्स्ट, पहला जिसे कहते हैं, फोरमोस्ट, हेडमोस्ट और इनॉग्रल, दैट विल बी द सिनोनिम. एंटोनिम्स होगा फाइनल, सबसे अंत में आने वाला, अल्टीमेट और पेन अल्टीमेट, समथिंग दैट कम्स लास्ट. तो फर्स्ट का एंटनिम लास्ट ही होगा ना, तो फाइनल, अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, ये सारे एंटनिम्स हैं. अगला पांचवा वर्ड जो मैंने उठाया था, दैट वॉज स्टेक, जो कि वर्ब की तरह लिखा हुआ था. स्टेक का मतलब होता है टू पुट समथिंग यू हैव एट रिस्क, ऐसी कोई चीज जो आपके पास है उसको दांव पे लगाना. तो हिंदी में बोलते हैं दांव पे लगाना, दैट इज स्टेक, पुटिंग समथिंग एट रिस्क. सेंटेंस था, द चैंपियनशिप वॉज ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट रंग ऑफ प्लेयर्स टू स्टेक क्लेम. द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देगा अगले सेट ऑफ प्लेयर्स, रंग ऑफ प्लेयर्स मीन्स द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स अभी नए आए हैं उनको भी ये मौका देगा कि वो भी अपना पूरा चीज दांव पे लगा के टाइटल जीत सकें. प्लेयर्स टू स्टेक क्लेम, स्टेक क्लेम मतलब वो भी ग्रैंड स्लैम टाइटल पे अपना हक जमा सके, ताकि वैसे खेल सके, ताकि वो जीत सके. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेकिंग क्ले. नाउ सिनोनिम होगा गैम्बल, वेजर और इम्पेरिल, पुटिंग एवरीथिंग एट रिस्क, पुटिंग एवरीथिंग एट डेंजर. ओके, पूरा एड़ी चोटी लगा देना. एंटोनिम्स होगा स्टे, पॉज और लिंगर, रुक जाना, नॉट पुटिंग एनीथिंग एट स्टेक. सो यू आर स्टेइंग, पॉजिंग और लिंगरिंग, दोज विल बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे. उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको अच्छे, आपको ये बूस्टर सीरीज ही काफ़ी फायदेमंद हो रहा होगा. जब मैं 7 to 8 सेशंस के बाद एक क्विज कराऊंगा, वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज फ्रॉम द हिंदू, वही वर्ड्स जो मैंने सिखा रखे हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू पीपल अटेंड द क्विज, ताकि आपको एक रिविजन भी हो सके. ओके, कल भी एक क्विज हुआ था, आपने नहीं देखा तो डू वॉच दैट. ओके, वो सारे वर्ड जो पहले सिखा रखे थे उसी पे बेस्ड मैंने क्विज करवाया था यूट्यूब पे. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2023 गाइस, मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज द बैच दैट वी स्टार्टेड ऑन द 26th of December. यू कैन ज्वाइन दिस बैच, यूज द कोड UDM10 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट. ओके, इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, वॉन्ट टू क्लियर इट विद फ्लाइंग कलर्स, वी आर देयर टू गाइड यू, असिस्ट यू एंड मेंटर यू. ओके, रोज शाम में 8 बजे मेरे साथ जुड़िएगा अनअकैडमी ऐप पे, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्रैक्टिस सेट्स करवाता हूँ. You can scan this QR code to actually join the Unacademy Defense Mentors group for updates about our sessions. Subscribe to the channel, click on the bell icon for notifications. Hit the like button if you like the session. Comment karke bataiye ki ye session aapko faydemand lag raha hai ki nahi. So that was it in this session. Milte hain agle session mein. Goodbye, stay safe. Take care everyone. Bye-bye.